अस्सलामुअलैकुम। सो स्टूडेंट, जब आप लोग एग्ज़ाम्स में मकालमा नवीसी को लिखेगा तो मकालमा नवीसी को लिखते वक्त आप लोग इन छोटी छोटी बातों को जहन में रखिएगा, जिसकी वजह से आप लोग मकालमा नवीसी में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आपकी जो उर्दू की राइटिंग होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव और अच्छी लगेगी। मकालमा नवीसी को लिखते वक्त सबसे पहले आप लोगों ने तमहीदी मंजरनामा लिखना है। जब आप लोग तमहीदी मंजरनामा लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने एक ऐसा मंजर पेश करना है जिसके थ्रू आप लोग बताएं कि आप जो मकालमा लिख रहे हैं वो किसके बारे में है और कौन से दो शख्सियात के बारे में आप मकालमा लिख रहे हैं। मतलब कि आप लोगों ने एक तमहीद या एक ऐसा मंजरनामा पेश करना है जिसके बाद आप लोग आगे अपने मकालमे को चला सकें। जो दो शख्सियात के बारे में आपने मकालमा लिखना है, सबसे पहले आपने मकालमे को अदाब के साथ शुरू करना है। जैसे आप लोग किसी से कोई हाल चाल या आप कह लें किसी से कोई खैरियत तलब करते हैं तो उसको कहते हैं सबसे पहले अदाब। सबसे पहले उन दो शख्सियात के या उन दो लोगों के नाम लिखें जिनके बारे में आप मकालमा लिख रहे हैं, फिर आप लोग उसके बारे में उनके साथ आदाब या आप लोग उसको अस्सलामुअलैकुम से शुरू कर सकते हैं। फिर आप लोग उससे खैरियत तलब करें। खैरियत तलब करने के बाद आप लोग उसकी जो मामूलात हैं, रोज़मर्रा के मामूलात हैं, उसके बारे में पूछें। इसके बाद आप लोग आस्ता आस्ता अपने मकालमे को आगे बढ़ाते जाएं, जिसकी वजह से आपका मकालमा आस्ता आस्ता आगे की तरफ जाता जाएगा। इस तरह आप लोग उससे जो भी इस मकालमे के मुतल्लिक मालूमात हैं वो पूछते जाएँ और बाद में आप लोग मौजू की तरफ आएँ जिसके वो आप लोग इस मुकालमे में पेश करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप लोग वक्त की अहमियत के बारे में मुकालमा लिख रहे हैं तो आप लोग जो वक्त की अहमियत है उसको उसमें आस्ता आस्ता मौजू उस मौजू को आस्ता आस्ता उधर पेश करते जाएं और साथ साथ उसको लिखते जाएं, ताकि आपका जो मुकालमा है वो भी लिखा जाए और साथ साथ आप उसके जो मेन टॉपिक या आपका जो असल मौजू है उसके बारे में आप लिख सकें। और उससे मतलब अगर आपको कोई अशार आते हैं या कोई मतलब के कॉल आता है जहन में तो वो भी आप साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, खबर लो वक्त की अपनी खबर लो, उड़ जाता है जो करना है कर लो। इसी तरह नीचे एक कॉल लिखा हुआ है, मसलसल मेहनत कामयाबी का नतीजा है। इस तरह आप लोग जिस मौजू पर अगर आप वक्त पर पढ़ रहे हैं तो वक्त के मुतलक जितनी भी आपको अशार कॉल या जितनी भी आपको उससे मुतलक जितने भी वाक़ियात आते हैं तो आप उसको उसकी अहमियत उसमें बयान कर सकते हैं। और इस तरह आप लोग आपका जो मुकालमा होगा उसका जो इख्तिताम होगा उसको आप लोगों ने जैसे तमहीदी मंजरनामा शुरू किया था, इस तरह आप लोग आस्ता आस्ता उसको लेके जाएंगे इख्तिताम की तरफ और उसमें आप लोग उसको अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ के साथ ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही उसका इख्तितामी मंजर लिखेंगे, जिसमें आप लोग इख्तितामी मंजर जैसे तमहीदी मंजरनामा में आपने मुकालमे को शुरू किया था उसी तरह इख्तितामी मंजरनामा में उस मुकालमे को ख़त्म कीजिए कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। तमहीदी मंजरनामा में दोनों कैसे मिले और इख्तितामी मंजरनामा में दोनों एक दूसरे से जुदा कैसे हुए। सो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।